वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु प्यारिओ, निम्रता सहित बेनती है, 3 मार्च दिन शुक्रवार रात को 7:30 बजे तो 9:30 बजे तक नवी सोच नवा आगाज कामयाबी दी पौड़ी ये प्रोग्राम लैके असी हाजिर हो रहे हैं महाकवि कालीदास कला मंदिर नासिक विखे। जिन्हिया भी नासिक दियां प्यार वालियां संगतां ने और जिन्हें भी नासिक दे इर्द गिर्द प्यार वाले रोज़ 3 तो 4 दुपहरी और राती 10 तो 11 जुड़ते ने, मैं सारे परिवारक मैंबरां दे चरणों में सनेमर बेनती करांगा सारे रुझेवियां नूं छड्ड के ये प्रोग्राम नूं अटेंड करन वास्ते सब ने पहुँचना ही पहुँचना। इस प्रोग्राम दे विच खास करके न्यू जनरेशन दे नाल असीं गल करांगे कि किवें तुसीं दुनियावी तौर पर अध्यात्मक तौर पर अगे वध सकदे हो, किवें साडी लाइफ दे विच्चों जो चिंतावां ने खत्म हो सकदियां ने, किवें असीं प्यारिओ तरक्की दी राह दे उत्ते तुर सकदे आ, किवें साडे घरां दे विच जिहड़े निक्के निक्के कलेश चलदे ने ना रोजन उह किवें दूर हो सकदे ने, ते होर भी बड़े प्यारे प्यारे टॉपिक लै के इस सैशन दे विच असीं एक दूजे नाल गल्लां बातां करांगे। भुल्लिओ ना, 3 मार्च दिन शुक्रवार रात नूं 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू होना है। शामी 6:30 बजे तुसीं पहुँच के आपो अपनी जगह दे उत्ते बह जाना। 7:30 तो 9:30 बजे तक एक दूजे नाल असीं दिल दीआं गल्लां करांगे और साडी तरक्की किवें होवे उहदे बारे विचारां करांगे। 3 मार्च दिन शुक्रवार 7:30 तो 9:30 महाकवि कालीदास कला मंदिर नासिक विखे। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करो तां जो सारियां संगतां लाभ लै सकन। किसी भी जानकारी दे लई तुसी ये जो स्क्रीन दे उत्ते नंबर चल रहे ने इन्हां नंबरां दे उत्ते संपर्क कर सकते हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। सारी संगत प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दा, बाबा दीप सिंह साहिब जी दा संगत रूपी परिवार बजुमान इस पिंड दे विच खुले पंडाल च एकत्र होया और हो रहा है। सारे परिवारक मैंबरां नूं मैं जी आया आखदा, जिथे जिथे भी जगह मिले बस यतन करियो पूरा पूरा लाहा लैण दा। जेडे रोज तुसी दुपहरी 3 तो 4 या रात नूं 10 तो 11 पीटीसी सिमरन दे माध्यम राही जुड़दे हो, वो सारे परिवारक मैंबरां नूं पता है कि मैं इन्नी बेनती तकरीबन हर रोज करदा कि एडी तगड़ी भावना बना के बैठो। इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है ना, जिथे एडी तगड़ी भावना बन जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब के रूप दे विच हाजर नाजर गुरु रामदास जी बैठे हुए ने, आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी, फिर कीर्तन करन दा भी स्वाद आएगा, कीर्तन सुनन दा भी आनंद आएगा। एडी तगड़ी भावना नाल बैठो, जिन्हां दे कोल मोबाइल ने शब्द पढ़न वास्ते बेशक कढ लैणा कोई गल नहीं, उदां किसे ने फोन करने सुनने नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक नहीं चलाउणियां, जिहड़ा काम असीं करन आए हां उह करिए। जिन्हां दे नाल बच्चे ने बच्चियां नूं वी प्यार नाल समझा के संगत विच बिठा देना। और तुहानूं पता है विचों विच मैं पुछणा है कि साडी कथा कित्थे सी, मैं किहड़ा शब्द पढ़ रहा, उह तां जो साडा मन होर जुड़े गुरु जी दी मेहर नाल। आओ 7-8 मिंट वाहिगुरु गुरमंत्र दा जाप आपां सारे करिए रल मिल के, उस तों बाद जिहड़ियां 2-3 जरूरी जरूरी गल्लां असीं रोज करदे आं उह करांगे बापू जी सेवा लैण। मेरी बेनती सारी संगत ने कृपा करनी, वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप दे विच जुड़ना है ते उच्ची उच्ची बोलना है, उच्ची उच्ची, क्योंकि जदों तुसीं बोलदे हो ना तुहाडी पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे तक आउंदी है। जदों तुसीं कीर्तन करदे हो ते मैं गरीब दा मन होर जुड़दा है, होर रस वध जांदा है, क्योंकि तुहाडे विच गुरु रामदास बैठे ने, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਏ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਏ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਫਲਾਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਏ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਏਡਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਚ ਜੁੜਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਓ ਹਜਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕੋ ਸੇ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਮ ਸਰ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕੋ ਸੇ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਗਜ ਕੇ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕੋ ਸੇ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ
करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा अरे बोलो तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा बेनती दो में हाथ जोड़ के गुरु रामदास बाबा दीप सिंह जी नु कहो तन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा 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 मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा जी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा वाहेगुरु 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 तुहाडी आवाज वाहेगुरु 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 तुहाडी आवाज सुन नहीं पा रहे हो वाहेगुरु 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 कई टले हो गज के वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
गुरु वाहे धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी जड़ियां सी रोज तीन चार जरूरी जरूरी बेनतियां करदे आ गुरमत आशे दे अनुसार गुरमत दी गुरबाणी दी रोशनी दे विच ओ करके आपां फिर बाबा दीप सिंह जी दीआं वडियाईआं दा शब्द पढ़ने किसे ने एक रंगे हुए गुरसिख दे कोलों एक सवाल कीता ध्यान नाल सुनो मेरी एक एक गल जेड़े ते परिवारक मैंबर हो उन्हां नूं कहण दी लोड़ ही नहीं ओ ते एक एक कथा दा कीर्तन दा कणका शरीर रूपी मन रूपी खेत दे अंदर ही सुटदे ने बाहर जाण ही नहीं देंदे कुछ पता है ए वक्त ए घड़ियां दोबारा मिलनियां ही नहीं एक सैकेंड का जेड़ा पहले समा बीत गया तुसी को करोड़ा रुपये दे देवां दोबारा अजे कदी आ ही नहीं सकता जेड़ा लंघ गया वह लंघ गया। सुनियो एक रंगी हुई रूह दे कोलों एक गुरमुख प्यारे दे कोलों किसे ने एक सवाल किया कहिंदा जिंदगी दे विच सब कुछ बंदे का चलिया जाए सब कुछ कि सब कुछ चलिया गया बंदे का इस तो भी कोई बुरी चीज है मान लो बंदा पहले करोड़ां पति सी अज कखां पति हो गया सुनियो बड़ियां फैक्टरियां सी हुण कोई भी नहीं रह गई अगे लोकां नूं करजे देंदा सी हुण करजाई हो गया है जी कुछ है ही नहीं पल्ले कहिंदे बंदे दा सब कुछ गवाच गया सब कुछ बंदे दे कोलों चलिया गया इस तों भी कोई बुरी चीज है ते ओ गुरमुख जन ने बड़ी सोच विचार दे नाल जवाब पता की दिता कहिंदा हां इस तों भी एक माड़ी चीज है ओ पता की कहिंदा सब कुछ बंदे दा चलिया गया
इस तो भी एक माड़ी चीज है कि उस उम्मीद नू अपने अंदरों गवा देना जिदे भरोसे असी सारा कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। उस उम्मीद नू अपने अंदरों गवा देना जिस उम्मीद दे भरोसे असी दोबारा सब कुछ वापस पा सकते हैं। कहिंदे जदों बंदे दे अंदरों वह उम्मीद निकल जाती है ना, इस तो वड्डी होर बुरी चीज कोई नहीं। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, अपने अंदरों गुरु का भरोसा ना टुटन दे, जिदे सदका जिन्ना गया पता नहीं कई गुणा वापस मुड़ के आ जाना, वो उम्मीद ना टुटन दे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और मैं सच कह रहा, सच जिन्हां ने आ गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते गुरु रामदास जी दे उत्ते आस बना ली ना, भरोसा बना लिया, उम्मीद रख ली, ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਮੀਦ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖੋ ਪੱਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ 27 ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਭਰੋਸੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ। ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਰੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਹਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਗਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ 27 ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ 27 ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਚਰਨ ਵੀ ਝੜ ਲਏ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਸ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ।
प्यार ना लखो ने जी तन बाबा दीप सिंह जी। अगली गले भी ध्यान नाल सुने। आम तौर पर कई बार असं कहने फलाना बंदा सन्यासी है, पिंडा च भी कई आते हो गए मंगण वास्ते भगवें कपड़े पाए, तो सन्यासी बंदा, इन्हें तो सन्यास लिया हो, तो योगी है, ये घर बार का इन्हें त्याग किया। पर मैं बैठा बैठा सोच रहा सा, क्योंकि इस जिंदगी गल्लां कम बड़िया आउंदियां जी जिहड़ियां मैं करदा, और न्यू जनरेशन छोटे छोटे बच्चे इनियां गल्लां पसंद करदे ने। जिथे मैं जाना भज भज के मिलदी नौजवान पीढ़ी, सारे हो कहिंदे वीर जी असीं तुहाडे परिवारक मैंबर आ, जदों दा सुन रहे आ असर होया, आ असर पै गया, आ कृपा वरत गई। हुण सुणियो ध्यान नाल, आम तौर पर जिन्हें भगवें कपड़े पाए जां जिन्हें घर बार का त्याग किया बंदा कहिंदा इह सन्यासी है जी, उहनूं सन्यासी कहा जांदा। सन्यास असलीयत दे विच पता की हुंदा, ग्रस्त च रह के भी तू सन्यासी बन सकदा, उह पता किवें? सन्यासी होण दा असलीयत दे विच मतलब पता की है कि बाबा मैं हार गया। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, मैं हार गया, हुण जिधर तेरी मर्जी है ना तू उधर ही मैनू लै जा। आ है असली सन्यासी, ग्रस्त च रह के भी सन्यासी बन सकते हो। मैं कई बार कहना आ जिहड़ियां असीं बाहां खड़ियां करदे आ, हथ खड़े करदे, इहदा कोई मतलब है? इह कोई दिखावा नहीं, इह कोई खाना पूर्ति लई हथ खड़े नहीं हुंदे, इहदा मतलब हुंदा है बाबा दीप सिंह जी, गुरु रामदास जी, हर पास्यों असीं हार चुके हैं, साडे ते हुण हथ खड़े हो गए, जिवें तुहानूं चंगा लगदा ना साडे हथ फड़ लो। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। उपर भुजा कर मैं गुरु पे पुकारिया, उपर बाहां करके मैं गुरु नूं पुकारिया, बाणी कह रही, उपर भुजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन हौ लिया उभारी। कहिंदे जदों मैं बाहां उच्चियां करके अपना आप सरेंडर करके कहता ना बाबा मैं किसे जोगा नहीं, फिर बाबा बाहां फड़ लैंदा। हुण किसे ने मान लो कोई गलती कीती होवे ना, पुलिस उहदे पिछे लगी होवे, जदों दोवें हथ खड़ा कर देंदा ना, पुलिस समझ जांदी इह सरेंडर कर रहा है, ये अपने आप नूं साडे हवाले कर रहा है, ते उस बंदे दी सजा भी किन्नी घट जांदी है कि इहने अपने आप नूं साडे हवाले कीता, सानूं मेहनत नहीं करनी पई इहदे पिछे। बस जदों गुरु अगे भी असी सरेंडर करते हैं ना हथ खड़े करके, बाबा भी फिर साढ़े किते हुए माड़े पापां दे चिट्ठियां नूं पाड़ देंदा है। कहें जी आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। इह सन्यासी होण दा असली मतलब असली अर्थ आही है कि बाबा मैं हार गया, हार गया, जिथे तैनू चंगा लगता, जिवें बाबा ईश्वर सिंह साहिब जी क्या करते सी ना कलेरां वाले महापुरख, बाबा नानक असी ये नहीं कहिंदे तू साडा जन्म मरण कट, कटना है तेरी मर्जी, कटना है तेरी मर्जी, तेरी मौत, पर साडी ते इको बेनती है सानू इस धरती ते भावें जिन्नी वारी मर्जी भेज, सानू इस धरती तो भावें जिन्नी वारी मर्जी बुला, सानू पशु दी जून दे दे, सानू पंछी दी जून दे दे, हां जी सानू रख इत्थे भावें रख उत्थे, पर इको बेनती है बाबा रखी अपने चरणा दे कोल। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। आ है सन्यासीपण, हर वेले सरेंडर हो के अपना आप सरेंडर करके आत्म समर्पण करके बापू नूं कहना बापू मैं ते हार चुके हां, हार गया। कई बार बंदा हार जांदा है, सिचुएशन इहो जी बन जाए, हालात इहो जे बन जाण, तू हार के कमे ओ नहीं, सब कुछ हुंदिआं हार जा, सब कुछ हुंदिआं बाकी दीआं थावां ते जितना भला, कोई कबड्डी दी गेम हुंदी है, कोई क्रिकेट मैच हुंदा है, कोई होर गेमां लगदियां ने, उत्थे जितना भला, पर गुरु घर विच आ के हारना भला। बाबा मैं हारिया पिया, हारिया पिया, जिवें तैनूं चंगा लगदा है ना, मैं गरीब दी आप पैज रख लै। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। इह सन्यासी होण दा मतलब मैं हार गया, जिधर तैनूं चंगा लगदा है ना बापू मैनूं उधर ही खड़िया कर, मेरा ते बल है ही कख नहीं, मेरी बुद्धि ते है ही कख नहीं, मेरा ना शरीर साथ देवे ना दिमाग साथ देवे, बेअकलावां मैं, अपने लई मैं चंगा मंदा सोच नहीं सकदा, पर मेरी एक बेनती है तू जे मेरा बेली है ना, मेरा चंगा मंदा तेरे नाल ही है।
चंगा मंदा तेरे नाल हैं जी जो करना है ना तू कर मेरा खोतन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी अगली गल सुन लो ध्यान सन्यासी दा मतलब हार जाना ते सन्यासी दा मतलब दूजा पता की हुंदा है जिस बंदे ने इस सच्चाई नू वेख लिया के दूजियां कोलों कदी भी मैनू सुख नहीं मिलना बंदियां कोलों सुख थोड़ी मिलना असी ते बंदियां दी आसां ला लैने फलाना बंदा मेरे लिए आ करेगा फलाना बंदा मेरे लिए आ बंदियां दी आसां क्यों लांदे हो भाई आस रखो अपने मालक दी भरोसा रखो अपने मालक दा बंदियां ते लाईयां होईयां आसां टुटणगियां अज नहीं ते कल इस सन्यासी होण दा दूजा मतलब है ओ सच केड़ा सच के दूजियां ने मैनू कदी भी सुख नहीं देना बस इस चीज नू लेके बंदे ने अपनी दिशा अपने मालक वल मोड़ ली ते फिर ओ रब नू बाहर नहीं लभदा अपने घर दे अंदर ही तलाश करन लग पैंदा है घर दे अंदर ही काहे रे मन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलेपा तोही संग समाई फिर अंदर ही वड़दा है रोज अंदर ही अपने आप दी खोज करदा है अमृत वेले उठदा है ध्यान विच लुड़दा है ध्यान विच हैं जी कई कहंदे जी मन ही नहीं लगदा आखो धन गुरु रामदास जी कई कहंदे मन नहीं लगदा बाणी पढ़न बैठे आ ओ प्यारियो जिस काम दे विच दिलचस्पी होवे उहदे च मन लग जांदा है इहदा मतलब बाणी पढ़न च सिमरन करन च इंटरेस्ट ही नहीं साडा दिलचस्पी नहीं साडी नोट गिनन लग्गिया कदी किहा मेरा मन नहीं लगदा दो दो तीन तीन घंटे फिल्म वेखन लग्गिया कदी किहा मेरा मन नहीं लगदा जिस काम दे विच बंदे नू इंटरेस्ट है उहदे विच मन लग जांदा है जिहदे विच इंटरेस्ट नहीं उहदे च मन नहीं लगदा इंटरस्ट पैदा करिए इंटरस्ट पैदा उदों ही होएगा सिमरन करन विच बाणी पढ़न विच जदों असी आ महापुरखां दी संगत करांगे गुरु दे प्यारियां दी संगत करांगे रंग रतनियां रूहां दी संगत करांगे जदों गुरु दी हजूरी च बहना शुरू करांगे मन लगे ना लगे बह जा नहीं मन लगदा ना बाणी तां वी पढ़ मन नहीं लगदा ना तां वी सिमरन कर शरीरक तौर ते ड्यूटी भुगतौणी शुरू कर दे मन इक दिन आपे जोड़ देवेगा शरीरक तौर पर ड्यूटी ना कदी छड़ कदी एदा हुंदा तुसी मन लो दस घंटे कोई बंदा किते नौकरी करन जांदा है नौकरी उहने दस घंटे पूरी दित्ती पूरी अपनी ड्यूटी भुगताई एक महीने बाद मालक उहनू फिर पूरी तनखाह देंदा है क्यों देंदा है भाई तू दस घंटे डेली आउंदा रहे तेरी तनखाह पूरी है बंदा जे यह कहे जी दस घंटे मैं आउंदा ते नहीं पर मन नहीं लगाओ बंदा कहिंदा तेरे मन नू मैं की करना तू शरीरक तौर ते आउंदा रहना जो मैं कहिंदा रहा तू वो करदा रहा मन नहीं भी लगा तेरी मैं ये तनखाह कटनी नहीं क्योंकि तू शरीरक तौर ते हाजरी पूरी भरी है तुसी भी शरीरक तौर ते पहले आना शुरू ते करो बहना शुरू ते करो हाजरी ओहदे चरणा च लाउणी शुरू ते करो मन आपे जोड़न लग पेगा अज नहीं जोड़ेगा ते कल जोड़ देगा जुड़ जाएगा पर अपनी ड्यूटी भुगताओ आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो धन बाबा दीप सिंह जी अपनी ड्यूटी भुगताउणी ना कदी छड्डो ये मेरी बेनती है भुगताउणी भुगताउणी जो मर्जी हो जाए चुपहरिया च आना ही आना है रैन सबाइया च आना ही आना है तीन तो चार की रूटीन जी दोपहर वाली ना ये छड़नी नहीं कदी ये भुगताउणी भुगताउणी जो मर्जी हो जाए ऐ ऐ मुठां खुल रहियां ने सब दी झोली च ते ऐ खुली जानियां ने आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी और जिन्हों जिन्हों नहीं भी पता ना समागमां बारे दुपहरी तीन तो चार जां राती दस तो ग्यारह फोन करके सुने दे दिया करो सबनों सच कहने आ इदां बापू मुठां खोल रहा इदां तू जोड़ सही उपराला करते सही तू आ ते सही बह ते सही एक घंटा दुपहरे ते घंटा राती समझो ये साडा समा है ही नहीं ये ते गुरु रामदास दा समा ये ते बापू दीप सिंह दा समा ते जदों बापू दे कम्मां नू तू इंटरस्ट नाल करेगा ते बापू कहिंदा टेंशन ना ले गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता सारे कार्य तेरे मैं आपे कर दूंगा आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी
ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਵੜਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਏ, ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਚੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਗਵਾਚੇਗੀ, ਈਗੋ ਗਵਾਚੇਗੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਗਵਾਚੇਗਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਗਵਾਚੇਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਚੇਗੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜ਼ੋਰ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਟਿਲਦਾ ਲਾਲਾ ਜ਼ੋਰ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਈਗੋ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਮਗਰਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।
आओ बापू दीप सिंह दा मना रहे अपना जन्म दिहाड़ा ते अज वड्डी मंग गुरु अर्जन देव पातशाह जी जो सानू मंगण दी जास सिखा रहे ने ओ मंगी है आ बैठे जे गुरु रामदास आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी वड्डी मंग मंगणी मंगते ने ते मंगी जाना है असी मंगते हां ते ए वी माण है सानू असी तेरे बूए दे मंगते हां सच्ची गल है जेड़ा गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे बुए दा मंगता बन जांदा है ना सच्ची गल ओ मंगता नहीं ओ ते लोकां दीयां झोलियां भरन वाला राजा बन जांदा है जी आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास सानू ते माण है असी तेरे दर दे मंगते हैं तेरे दर दे देखो और मंगते शान नाल कहने आपां बाबा दीप सिंह दे मंगते हैं शान नाल कहने शान नाल शान नाल कोई वड्डे राजे दा कोई बंदा होवे ना पहले समयां च राजे महाराजे हुंदे सी राजा खुश हुंदा सी हाथी दे देंदा सी भाई आ हाथी तेरे लई आ घोड़ा तेरे लई तू मेरे हुक्म च तू मेरी गल मनदा है तू मेरा खास बंदा है ते ओ जदों बंदियां नूं मिलदियां सी ना चीजां टौर नाल चलदे सी वेखो मैनूं राजे ने खुश होके आ दित्ता है मैनूं राजे ने आ बख्शिश दित्ती है ते जेड़ा बापू दीप सिंह दे दर दा मंगता बन जांदा है ना बाबा ओनू भी रंग भाग दिनों दिन लाई जांदा है उदों हाथी सी घोड़े सी अज गड्डियां ने अज जिन्ने प्रचारक ने जिन्ने संत महापुरख ने जिन्ने गुरु दे कीर्तनिए ने प्यारे ओ टौर नाल आउंदे ने सारे टौर नाल किसी को 20 लाख वाली गड्डी किसी को 50 लाख वाली किसी को 2-2 करोड़ वाली भी चंगी गल है माड़ी थोड़ी चंगी गल है अब बापू दे दर दे मंगते भी राजियां तो वड्डे ने आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी सानू माण है माण ते बस बाबा ए माण कैम ही रखी ए माण साडा टुटे ना सी तेरे दर दे मंगते हैं सानू भी तू हाथी घोड़े दित्ते होए ने मैं कई वेखदा महापुरख 3-3 करोड़ वालियां गड्डियां रखदे ने चंगी गल है ए सड़िया ना करो कई जने बाबियां को आ जी बाबियां को लो जी ओ जे दूजे काम करन वाले माड़े काम करन वाले एडियां एडियां महंगियां गड्डियां रख सकदे ते जेडे बापू दे मणे ने ओ सोच बदलिए सोच सोच बदलो किते ब्याह शादी दे उत्ते तुसी प्रोग्राम ते गाउण वजाउण वाले नु बुलाउणा होवे 10-10 लख देंदे ने 10-10 लख 20-20 लख भी साडी टौर होएगी ते जे किते महापुरख नु किसे कीर्तनीए नु बुलाउणा पै जे ओ जे कह दे 21,000 लैणा मैं लैंदा नहीं भावे ध्यान देना ए गलत ना समझ लियो किते आपां प्यार च आईदा जिथे भी जाईदा पैसे इक सरसरी गल कर रहे आं एक शुरू दी रूटीन बनाई है जिथे भी जाईदा 1 रुपया नहीं डिमांड करीदी गुरु साहिब दी मेहर नाल 1 रुपया कोई दवे लख दवे सब सेवा च जांदा कदी डिमांड करके नहीं आए ते बाबा ए मेहर बनाई रखे मैनूं अपने मालक ते भरोसा क्योंकि सेवावां दे कारज ने बापू ने करने संगतां ने करने आपां दे विचोलगी करनी खैर जिहड़ी मैं गल कर रहा सां 10-10 लख गाउण वजाउण वालियां नूं दित्ता जांदा ते जे कोई गुरु दा कीर्तनी आ कह दे 21,000 उहनां नाल तोल मोल करने शुरू कर जी 10,000 च सार लो खंडपाठ साहब घर कराने वह जे कह दें जी 5,100 भेटा जी 3,100 दे देंगे लो जी जी 5,100 पाठी भेटा मंगते ने उन्होंने 11,000 दो 11,000 दो सगों क्योंकि गुरु साहब की कृपा के नाल ही तो सारे काम होने जो पाठिया ने बाणी तुहानू सही ढंग नाल सुनाई उन्होंने श्रद्धा भावना नाल पाठ किया तो कार्ज किहदा सवरण है तुहाडा उस चीज़ नूं आपां भुल जांदे ये मेरी बेनती है जिन्ना भी आदर मान हो सके ना बापू दीप सिंह दे दर दे मंगतियां दा करिया करो ये मंगते ने असी मंगते हैं बाबा दीप सिंह दे दर दे टौर नाल कहने हैं गुरु रामदास दे दर दे मंगते हैं आपां आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास ते मंगते ने मंगना ही है ते अज भी असी एक चीज मंगनी है वो पता केड़ी मंगा मंगदे आ ना रोज इत्थे कई आए ने पुत दी दात लैण वास्ते कई आए ने कारोबार सोहने चल कई आए ने पुत ते हैगा पर कहने च नहीं हैगा है जी ओ सियाणा बन जे कई आए ने महाराज कृपा दा खाता खोलो साडा मुंडा बाहर पक्का हो जाए कईआं दे पक्के ने ओ कहिंदे जी नौकरी लग जाए कुछ ना कुछ ते मंगण ही आए हैं ना मंगण आए ते बाबा दीप सिंह दे जन्म दिहाड़े ते इक वड्डी मंग मंग लो अज पता केड़ी ऐसी मांग मांग मतलब मंग गोबिंद ते
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1298 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ, ਹੈਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਦੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਪੂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਲਹਿ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਖੀ ਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਕੁਝ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਲਿਖੀ ਜੀ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੰਗੋ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਸਕੁਰਾਏ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ? ਦੱਸੋ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਿਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਲਾਂ ਚੱਲਣ, ਬਾਪੂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾ ਲਓ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਅਰੇ ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਕਾ, 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 ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ, ਐਸੀ ਮੰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ।
धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, प्यार ना लखो धन बाबा दीप सिंह जी। पूजा चरना ठाकुर सरना, सोई कुशल जो प्रभ जियो करना। पढ़ो पूजा चरना ठाकुर सरना, सोई कुशल जो प्रभ जियो करना, सोई कुशल जो प्रभ जियो करना। ऐसी मांग गोबिंद ते मंगो, ऐसी मांग गोबिंद ते, सारे बोलो ऐसी मांग गोबिंद ते, सफल होत ए दुर्लभ देही, जाको सतगुर माया करे ही। सफल होत एह दुर्लभ देही, जाको सतगुर माया करे ही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पैरा, जाके हृदय बसे गुर पैरा। ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते, मंगो ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 25,000 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ 2500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ।
मैं सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां च बेनती करांगा प्यारे हो, ये भूमि दान दे विच वध तों वध अपना योगदान देना। किसी बच्चे का जन्मदिन है, कोई तुहाडी मैरिज एनिवर्सरी है, कोई भी कारज है, उस संबंध दे विच असीं किन्ने किन्ने पैसे ला देने हैं, पर ये मेरी बेनती है घर विच विआह शादी आ जाए करोड़ां रुपये ला देने हैं, पर ये कोई भी खुशी का कारज है ना, उस संबंध दे विच भूमि दान दे विच वध तों वध अपना सहयोग जरूर दिओ। एक गज की सेवा, पांच गज की सेवा, दस गज की सेवा, जिनी गुरु पिता जी ने तुहानू वित दित्ती हुई है जरूर आपो अपनी सेवा। टीवी स्क्रीन दे उत्ते अकाउंट डिटेल चल रही ने, इन अकाउंटा दे विच सेवा पा के आप जी सानू मैसेज जरूर कर देना कि इन्नी सेवा असी जमा करवाई है ता जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक पहुँच सके। आप जी अपनी सेवा सानू पेटीएम, गूगल पे, फोनपे भी कर सकते हो 9815599513 9815089513 नंबर ते। मेरी बेनती मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दे दिओ, क्योंकि 20 अप्रैल नू समय सिर रजिस्ट्री हो जाए। मैं 113 यूनिट कहना, 113 तो भी डबल ट्रिपल कम हो जाएगा जो तुसी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। आओ रल मिल के चलन का वक्त है। सारी संगत के चरणों में, सारे परिवारक मैंबरों के चरणों में बेनती है, बाकी दे खर्चियां नू संकोच के, बाकी दे कम्मां नू संकोच के 20 अप्रैल नू जो ये नवी जगह दी रजिस्ट्री हो सके तां जो सेवावां इस तरह निरंतर ताई नाल जारी रह सकन। ये मैसेज नू वध तों वध शेयर करियो तां जो होर संगत तक ये मैसेज पहुँचे और संगत वध तों वध इस कार्य दे विच भूमि दान दे विच सहयोग कर सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सत्संग जी, सारे गुरु रामदास जी दे, बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं पता है किवें बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वल्लों राम तीर्थ रोड ते 1 नंबर यूनिट, 2 नंबर यूनिट और बटाला रोड ते 3 नंबर यूनिट, ये सारे कार्ज सेवावां दे चल रहे ने। सारे परिवारक मैंबरां तों ये गल लुकी हुई नहीं, सब नूं पता है। मैं जड़ी तुहाडे चरणां विच बेनती करन लगा, मैनूं बहुत सारे संगतां दे सुनेहे आउंदे ने, बहुत सारे प्रेमी मिलदे जी, साडे इलाके विच वी तुसीं इहो जिहा स्कूल खोलो, इहो जिहा हस्पताल खोलो जिवें राम तीर्थ रोड ते चल रहा है। ते मेरी बेनती प्यारे हो, जे असलीयत दे विच तुहाडे अंदर पंथ दा दर्द है, असलीयत दे विच जे चाहुंदे हो कि ये प्रचार हर घर दे विच फैले, पिंडां पिंडां विच, शहरां शहरां विच, नगरां नगरां दे विच ये चीज़ फैले, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਖੇਤ ਪਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ पंथ दर्दी गल्लां दे नाल ना बनी है, जे असलीयत दे विच पंथ दा दर्द है ना ते मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दिओ। तुहाडे कोल किसे भी ढंग दी कोई जमीन है जिहड़ी तुसीं दान विच देना चाहुंदे हो कि तुहाडे अंदर ये तड़प है कि साडे इलाके दे विच होर तरक्की होवे, ते आओ ये मौका है मोढे नाल मोढा जोड़ के चलण दा। गल्लां बातां दे नाल ते बड़ा समां सी लंघा दित्ता है, आओ हुण इकट्ठे मिल के चलीए। गुरद्वारे साढ़े पिंडां विच, नगरां विच, शहरां विच बहुत ने, बनने भी चाहिए ने, और आली शान तो आली शान इमारतां गुरु घरां दीआं होण, संगतां उत्थे बह के कथा कीर्तन दे लाभ लैण, ये चीज़ां भी चाहिए ने। पर प्यारे हो, कदी गौर करना, तुसी ये नहीं चाहुंदे तुहाडे इलाके दे विच इहो जिहा स्कूल खुले जिस स्कूल दे विच बच्चे दुनियावी पढ़ाई दे नाल नाल अध्यात्मक पढ़ाई करन, ते सारा परिवार उस अध्यात्मकता की पढ़ाई नू करके गुरु घर दे नाल जुड़ जावे। एक गुरद्वारा की घर घर ही गुरद्वारा बन जाए। इस मुहिम दे विच मैं बेनती करदा सारे जाने शामिल होवो। तुहाडे शहर दे विच, तुहाडे पिंड दे विच तुहाडे कोल कोई जगह है, आप जी ने ट्रस्ट दे नाम करवाउणी, उस तों बाद फिर तुहाडे ट्रस्ट की जिम्मेवारी होएगी उत्थे स्कूल, चंगे हस्पताल बनाउण दी। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करियो ते आओ भूमि दान करके, ये सहयोग करके अपने पंजाब दी होर तरक्की दे लई असी मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के एक दूजे का साथ दईए।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई अमनदीप सिंह जी नु आप जी सोशल मीडिया ते भी फॉलो कर सकते हो जी। भाई साहिब दे रोजाना दे समागमां दी जानकारी अते आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। इस प्रचार दा हिस्सा बनन दे लई आप जी 7274000061 इस नंबर ते अपना नाम अते अपने शहर दा नाम लिख के व्हाट्सएप करो अते ए नंबर भी अपने मोबाइल ते सेव करन दी कृपालता करो जी। धन्यवाद।